प्रेजेंट की एनिमे और मांगा सीरीज तो बहुत देख ली हमने। चलो अब ओडा सेंसेई के वन पीस से पहले की एक मांगा पे नजर डालते हैं। ये फॉर अ शॉर्ट स्टोरी काफी मजेदार है। जैसे हम वन पीस में रियुमा के बारे में सुनते हैं कि वो कितना पावरफुल था, बट हम उसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। तो ये मांगा रियुमा के ऊपर ही है, इसलिए पढ़ने में और मजा आता है। किसी के बारे में बस सुना हो और जब उसके बारे में जानने को मिले तो इंटरेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है हमारा। तो चलो साथ में जानते हैं रियुमा के बारे में। तो ये कहानी है मॉन्स्टर्स से, जो 1994 में रिलीज हुई थी। ये एक वन शॉट मांगा है 45 पेजेस की, तो कहानी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है आज से 10 साल पहले एक ड्रैगन हॉर्न चोरी हो गया था। वो हॉर्न मिस्टीरियस पावर्स होल्ड करता था। वो काफी रेयर था क्योंकि उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं था, और जो लोग उसकी रखवाली कर रहे थे वो सारे लोग मारे गए, और धीरे धीरे लोग इस बात को टाइम के साथ भूल गए। बैक टू द प्रेजेंट टाइम, यहाँ पर लोग आपस में बात कर रहे हैं कि शिरानो इस टाउन में आ गया है, और जिन लोगों को शिरानो के बारे में नहीं पता है वो आपस में पूछ रहे हैं कि शिरानो है कौन। तभी हम यहाँ पर दूसरे फ्रेम में देखते हैं समुराई को, जिसे एक आदमी लात मारकर बाहर निकाल रहा है अपने रेस्टोरेंट से कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो यहाँ पर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और वो समुराई कहता है कि इस टाउन के लोगों में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, मैं यहाँ पर तो नहीं मरना चाहता हूँ। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी टाइम से भूखा है। तभी हम दूसरे रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर शिरानो आया हुआ है। लोग बात कर रहे हैं कि ये स्वॉर्ड्समैन सबसे पावरफुल है, और एक वेटर जिसका नाम फ्लेयर है उसे ग्रीट करती है कि काफी टाइम बाद देखा आपको शिरानो, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं आपको यहाँ पर मिलूंगी। ये बातें थोड़ी सी बोरिंग लग सकती हैं, बट ट्रस्ट में ये आगे जाके सेंस बनाएंगी। आगे शिरानो कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान ही नहीं पाया कि तुम वही 7 साल पहले वाली लड़की हो। तभी वही समुराय विंडो पे झांक रहा होता है कि उसे खाना नहीं मिला तो वो रेस्टोरेंट को ही खा जाएगा। आगे फिर उसे एट लास्ट खाना मिलता है और वो बताता है कि उसने 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, और यही वो समुराय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी रियुमा। रियुमा या फ्लेयर को थैंक्स बोलता है और कहता है कि मैं इस एहसान को जरूर चुकाऊंगा। वो मना करती है तो रियुमा यहाँ पर उसे लेक्चर देता है कि एक स्वॉर्ड्समैन को हमेशा अपना डेट चुकाना चाहिए, चाहे फिर उसके लिए उसे अपनी लाइफ क्यों ना खोनी पड़े। तभी यहाँ से शिरानो जाने लगता है और वो फ्लेयर से कहता है कि अपना ख्याल रखना। रियुमा वहीं एक सीट पर बैठा है, और रियुमा को क्रॉस करते टाइम उसकी और रियुमा की स्वॉर्ड आपस में टकरा जाती है, और रियुमा बोलता है, ओए मुच्छड़, पता है ना स्वॉर्ड टकराने का मतलब क्या होता है? स्वॉर्ड एक स्वॉर्ड्समैन की लाइफ होती है, सो नाउ रेडी फॉर ड्यूअल। बट यहाँ पर शिरानो सॉरी मांगता है, पर रियुमा कहाँ सुनने वाला था, उसके लिए तो अब ड्यूअल होगा ही। और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और शिरानो के ऊपर अटैक करता है। शिरानो से झुककर डॉज करता है, और रियुमा अपनी स्वॉर्ड से एक कॉपर के स्टैचू को काट देता है। इतने में शिरानो नीचे से रियुमा के नेक के पास अपनी स्वॉर्ड ला के कहता है, यू लॉस्ट। रियुमा कहता है कि मेंस ड्यूअल है, यहाँ जब तक एक मरेगा नहीं ये खत्म नहीं होगा। तभी इतने में फ्लेयर चिल्लाती है, बहुत हुआ तुम्हारा, और रियुमा शांत हो जाता है। आखिरकार उसने रियुमा को खाना देकर उसकी जान बचाई थी, तो रियुमा भी यहाँ पर औरत के कर्जे में है। बाकी सभी लोग उस कॉपर के स्टैचू को देखकर शॉक में है कि कोई उसे एक स्वॉर्ड से कैसे काट सकता है। तभी यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, डीआर, जो कि एक थर्ड ग्रेड स्वॉर्ड्समैन है। वहीं दूसरी साइड रियुमा को उसी रेस्टोरेंट का बारटेंडर शिरानो के बारे में बताता है कि ये चिड़िया है कौन। वो बताता है कि 7 साल पहले एक माउंटेन से घिरे हुए विलेज में ड्रैगन ने अटैक कर दिया था। उस जगह से बस 2 सर्वाइवर ही बाहर आए थे, एक शिरानो और एक वेट्रेस फ्लेयर, मतलब वही लड़की जिसने रियुमा को खाना दिया था, और उसकी जान शिरानो ने बचाई थी। शिरानो अकेला था जो उस आग से घिरे विलेज में जाने की हिम्मत कर पाया था, और ड्रैगन से फाइट भी की थी उसने। तब से शिरानो को सेकंड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल दिया गया। अब तुम सब सोच रहे होगे कि फर्स्ट कौन है, और वो है इस किंगडम का राजा जो ज्यादा दिखता नहीं है, बट बताया गया कि उसके स्किल सबसे सुपीरियर है। रियुमा कहता है किसी को बताना मत, बट मैं एक दिन उसे जरूर हराऊंगा। और वो कहता है कि ये फ्लेयर शिरानो की आइटम है क्या। इसके बाद रियुमा यहाँ से चल देता है, और जाते जाते कहता है कि धन्यवाद उस लड़की का, कुछ टाइम पहले मैं मरने वाला था और अब मेरा पेट फुल है। रियुमा फ्लेयर के बारे में ही सोच रहा होता है और आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी स्वॉर्ड डीआर की स्वॉर्ड से टकरा जाती है, और वो डीआर को पीछे खींचता है। इतने में डीआर चिल्लाता है और कहता है कि तुमने ये क्यों किया, तुम्हें पता है मेरे सीक्रेट के बारे में। तभी सब लोग देखते हैं कि डीआर के पेट में स्वॉर्ड गड़ी हुई है, बट रियुमा की स्वॉर्ड तो रियुमा के पास है। डीआर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अगर ये लगता है कि मैं अकेला मरूंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। रियुमा चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने करा क्या है। डीआर कहता है कि मैं तुम्हें ड्रैगन हॉर्न नहीं दूंगा, और वो ड्रैगन हॉर्न को निकाल के बजाता है।
सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि 10 साल पहले तो ये चोरी हो गया था, जिससे हम ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं। लोग आपस में बात कर रहे थे कि ड्रैगन आने वाला है, उससे हॉर्न छीन कर उसे दोबारा बजाया जाए, बट डीआर हॉर्न को तोड़ देता है। इसके बाद सभी लोग भागने लगते हैं क्योंकि अब ड्रैगन इस टाउन में आने वाला है और इसकी हालत भी उसी विलेज जैसी हो जाएगी जो 7 साल पहले उस विलेज के साथ हुआ था। र्यूमा को समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, ये सब लोग क्यों भाग रहे हैं। सभी लोग र्यूमा को कोसने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो बोलता ही रह जाता है पर उसकी कोई सुनता ही नहीं है। तभी यहाँ पर फ्लेयर आ जाती है और र्यूमा को एक चपेट लगा देती है वो, और उन दोनों में बहस हो जाती है। फ्लेयर कहती है, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचाती। र्यूमा उसे समझाता है बट फ्लेयर कहती है, एक बार जब तुम ड्रैगन को देखोगे तो कुछ भी नहीं कह पाओगे, तुम्हें पता नहीं है कि ड्रैगन कितना स्कैरी होता है। ये सब लोग बात कर रहे थे एक झुंड बनाकर। तभी हम थोड़ी दूरी पे देखते हैं कि डीआर तो जिंदा है, मतलब ये सब बस एक प्लान का हिस्सा है, और वो बोलता है कि हॉर्न तो असली था। तभी सभी लोगों के पास शिरानो आता है और कहता है कि हॉर्न असली था, और वो बताता है कि 10 साल पहले जो उस हॉर्न को गार्ड कर रहे थे वो सभी लोग मेरे सबॉर्डिनेट थे, बट मैं उस दिन वहां पर नहीं था। अगर तुम लोग इस लड़के को ब्लेम भी करोगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ड्रैगन तो अब आएगा ही। इसके बाद शिरानो कहता है, लेट मी फाइट द ड्रैगन। लोग कहते हैं शिरानो ड्रैगन को हरा देगा, बट फ्लेयर चिल्लाती है कि शिरानो के लिए भी ड्रैगन को हराना इम्पॉसिबल है, मैंने आज तक नहीं सुना किसी आदमी ने ड्रैगन को हराया हो। शिरानो उससे बोलता है कि ये सब जीतने के लिए नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं बस ड्रैगन के साथ लड़ना चाहता हूँ। इसके बाद शिरानो यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पीच देता है एक रियल स्वॉर्ड्समैन की, और सबको वो कन्विंस कर लेता है कि इसके बाद वो ड्रैगन से लड़ेगा, और सभी लोगों से वो कहता है कि टाउन को छोड़ के चली जाओ। तभी र्यूमा साइड में खड़ा रिलैक्स होकर बोलता है, अगर लोगों को बचना ही है तो भाग क्यों नहीं जाते इस टाउन से। ये सुनकर सभी लोग फिर से उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। र्यूमा यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है, बट शिरानो कहता है कि हाराकिरी फुलिश है, वो मत करो। र्यूमा कहता है कि वो कर कौन रहा है, जिसको नहीं पता उसे मैं बता दूं, हाराकिरी जापान में स्वॉर्ड्समैन के लिए सुसाइड की तरह है, जिससे वो रिस्पेक्टफुल एंड देते हैं खुद को। बैक टू द स्टोरी। अब यहाँ पर ड्रैगन आने वाला था तो सभी लोग टाउन छोड़कर भागने लगते हैं। पूरा टाउन खाली हो जाता है, बस यहाँ पर फ्लेयर और र्यूमा है। र्यूमा उससे 7 साल पहले के इंसिडेंट के बारे में पूछता है, और बातों ही बातों में वो ये कंक्लूजन पे आती है कि ड्रैगन वर्सेस ह्यूमन ये इम्पॉसिबल है, और भागते हुए वो शिरानो को रोकने के लिए जाती है। र्यूमा फ्लेयर को वहां से जाने को कहता है, बट फ्लेयर उससे लड़ रही होती है कि शिरानो तुम जैसों की लाइफ के लिए खुद की लाइफ को डेंजर में डाल रहा है। फ्लेयर उसे धक्का देके आगे बढ़ जाती है, बट वो कुछ दूर खड़े होकर कुछ नोटिस करती है। वो देखते है यहाँ पर कि शिरानो और डीआर खड़े हैं, और उन दोनों के पास काफी सारी लूट है, और ये सारी की सारी लूट टाउन वालों की है। और वो सुनती है कि शिरानो कह रहा है कि मैंने इस विलेज को इस सब में डाला है, और वो हंस रहा है। यहाँ पर र्यूमा फ्लेयर को दीवार के पीछे खींचता है और कहता है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार देगा। अब यहाँ पर र्यूमा फ्लेयर वह दीवार के पीछे बैठकर दोनों की बातें सुन रहे हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और बताते हैं कि 7 साल पहले जो हुआ था उसके पीछे भी इन दोनों का ही हाथ था। तब भी इन दोनों ने ड्रैगन को बुलाया था ताकि ये लोग विलेज को लूट सके, और 7 साल पहले शिरानो ने फ्लेयर को इसलिए बचाया था ताकि वो फेम कमा सके और आगे की जिंदगी मजे में कट सके उसकी। ये सब सुनकर फ्लेयर बहुत ही उदास हो जाती है कि जिसे वो 7 सालों से अपना सेवियर समझ रही है, ये तो वही बंदा है जिसकी वजह से सारे के सारे विलेजर्स मारे गए और उसके पेरेंट्स भी। र्यूमा यहाँ पर फ्लेयर को टाउन से जाने को कहती है, बट वो रेस्टोरेंट के अंदर जाकर रोने लगती है। अभी लड़कियां रोती क्यों है इतना, ये समझ नहीं आता है। इसके बाद र्यूमा भागते हुए शिरानो की तरफ जाता है। अब ड्रैगन आसमान में दिखने लगा है। र्यूमा शिरानो के सामने जाता है और बोलता है कि जो आदमी शील्ड को या को स्वॉर्ड को इतने इजीली टच कर सकता है, उसके अंदर वॉरियर सोल हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर शिरानो और डीआर उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अभी तक यहाँ पर हो। इसके बाद शिरानो अपने ट्रू सेल्फ उसे दिखाता है और बताता है कि उसके लिए बस पैसे मायने रखते हैं, लोग उसके लिए कुछ भी नहीं है। शिरानो र्यूमा के ऊपर अटैक करता है, बट इस बार र्यूमा एक स्लैश में शिरानो को खेल खत्म कर देता है, जिसे देखकर डीआर का नाड़ा ढीला हो जाता है। डीआर र्यूमा को बोलता है कि मैं अकेला हूँ जो ड्रैगन को रोक सकता है इस टाउन को डिस्ट्रॉय करने से, बट र्यूमा कहता है कि मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, ये टाउन मेरा है ही नहीं, और बस फिर क्या ही होना था। इसके बाद हम ड्रैगन को देखते हैं जो टाउन के जस्ट ऊपर आ चुका है, जिसको देखकर दूर खड़े लोग भी डर रहे हैं। फिर हम फ्लेयर को देखते हैं जो एक छत पर बैठी हुई है और रो रही है, और ड्रैगन को देखकर कहती है कि अब मैं मर जाऊंगी पक्का।
इसके बाद वो रियोमा को देखती है जो ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही ड्रैगन उसके पास आता है, इतने में रियोमा एक ट्विस्ट लेके उसकी नेक को धड़ से अलग कर देता है, जिसको देखकर फ्लेयर चौंक जाती है कि अरे ये लौंडा तो बहुत पावरफुल है। मरे हुए ड्रैगन को देखकर रियोमा कहता है क्या बड़ी छिपकली है। इसके बाद फ्लेयर उसके पास जाके बोलती है कि तुम तो काफी स्ट्रांग हो। रियोमा यहाँ पर बोलता है कि मरने के बारे मत सोचना अब। उसके बाद फिर मजे नहीं आते हैं और मैं तुम्हारे लिए दो बार लड़ा हूँ तो अब तुम मेरे डेट में हो। इसके बाद फ्लेयर सभी को शिरानो का सच बता देती है और ये भी बताती है कि रियोमा ही था वो बंदा जिसने ड्रैगन को हराया है। आगे हम देखते हैं रियोमा मस्त आगे बढ़ रहा है अपनी जर्नी पे और वो खुद से ही बोलता है कि अरे यार फिर से भूख लग गई। ये वीडियो थोड़ी सी यूनिक है। अब मुझे पता है कि रिस्पॉन्स तो उतना बेटर नहीं आने वाला है इस पे, बट टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा वीडियो तो बनानी चाहिए। तो देखते हैं अब रिस्पॉन्स क्या आता तुम लोगों का, कमेंट्स में जरूर बताना। तो तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी।